हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे किचन में बन रहे भरवा करेले। तो गैस ये रहे करेले और सालों में मसाला भी तैयार कर दिया करेले का, भरवा करेले का। और मैं आपको बताऊंगी मेरे तरीके से, मैं रेसिपी नहीं शेयर करूँ, अपना तरीका बता रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। गैस यहाँ पे तवा लगा दिया गैस पे, और यहाँ पे ये रहे करेले। करेले को बीच से काट दिया लंबे में, और उसके अंदर का जो भी था वो निकाल दिया। और ये डाले मैंने जी जो मसाला तैयार किया वो, और ऐसे इसको चम्मच से फैला रही हूँ गैस, यहाँ चम्मच से फैला रही हूँ। बाद में वैसे उंगलियों से इसको अच्छे से फिट कर लेती हूँ ताकि अच्छे से फिट हो जाए। तो जो भरवा करेला बनाते हैं ना, तो थोड़े ऑयली होते हैं क्योंकि डीप फ्राई करते हैं। चलो कभी कभी हो जाता है ऐसा, डीप फ्राई खा लेते हैं, ज़्यादा ऑयली भी खाना पड़ता है। ऐसा नहीं, हम ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है इतने। तो उसके बाद क्या करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जिसको गाइस धागा, क्योंकि धागे से इसे बांधना होता है ना, क्योंकि अगर हम बांधेंगे नहीं तो ये जो भी मैंने इसमें मसाला भरा है ना वो खुल जाता है। तो अच्छे से यहाँ मैं इसको सेट कर रही थी ताकि अच्छे से जो है वो फैल जाए। उसके बाद देखना, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे जो इसमें धागा, ये सॉरी अभी धागा नहीं लगाया, इससे सब कुछ कर, ये देखो अभी मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पे देखो गाइस, जब मैंने धागा लगा के इसको बंद कर दिया, पता भी नहीं चल रहा है कि इसको मैंने काटा था बीच से। तो थोड़ा थोड़ा आपको धागा दिखेगा पिंक पिंक कलर का। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने तवे पे। इसी तरह से मैं आपको सेकेंड दिखाती हूँ। तो ये सेम वही प्रोसेस है, इस तरह से करना है। और यहाँ मैं उंगलियों के सहारे इसको अच्छे से फील कर रही थी। मैंने खुद को भी दिखा लेती हूँ, आप ये ना सोचे कि मैं नहीं बना रही, एक्चुअली मैंने खुद बनाएगा इस। तो यहाँ पे देखो ये मैंने इस तरह से भर रही हूँ, और भरने के बाद जो है वो आपको दिखाती हूँ। धागे से बांधना है, धागे से कैसे बांधना है वो भी आपको दिखाती हूँ। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता ऐसा कुछ ना, बट ऐसे थोड़ा धागे से आपको अच्छे से बांधना होता है, कहीं खुल वुल ना जाए। तो मैंने तो धागे भी ठीक कस के बांधे थे इसमें। यहाँ पर मैंने आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये रहे जी, ये मैंने फिक्स कर दिया। तो इसमें ना स्टफिंग ज़्यादा हुई थी क्योंकि ये लास्ट वाला करेला था। तो मैंने सोचा जो भी मसाला बचा हुआ ना वो मैं इसको अच्छे से भर दूँ। ये देखो गाइस, तो इस तरह से ये लिया मैंने धागा। तो बस यहाँ से मैंने जो है इसको बांधना शुरू कर दिया था। तो मैं ना थोड़ा सा बांध रही थी इसको ज़्यादा, क्योंकि इसमें ना स्टफिंग ज़्यादा हो गया था, जो भी अंदर का मसाला था ना वो ज़्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा बांध दिया गाइस, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं होती। मैंने कहा कहीं खुल वुल ना जाए ना, तो मैंने कहा फिर मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो गाइस ये देखो इस तरह से मैंने बांध दिया। तो ये होता है मेरा तरीका करेले बनाने का। दिन में याद भी आया, जब सुबह बैठा था मैं खाना खाने की, रात को गलती से पता नहीं चला और बैठ के बड़ी जोर से बैठा पीछे, पीठ पर जब सुबह बैठा था खाने के। कैसे देता था, दाढ़ी वाला था ऐसे मोटा था, टोपी वाला था ऐसे मुझे मस्ती खोए होते।